तो नमस्कार राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 7-8 दिन के बाद, आज शनिवार है, तो मैं मंदिर जा रही हूँ हनुमान जी के भी। और रास्ते में बच्चे बॉल वगैरह खेल रहे हैं, क्योंकि कोई फ्री टाइम होता है तो बच्चे यहाँ पे खेलने चले आते हैं। मैं और मेरी देवरानी देखिए जो चल लग गए और हमारा जो लाला है बिट्टू, वो है बिट्टू, देखो हाय करो। हाँ बिट्टू हाय कर रहा है। तो हम जा रहे हैं गतन भाई हनुमान जी पर, अक्सर मैं जाती हूँ और इस बार मेरे को हो गए बहुत ज़्यादा दिन, तो मैं जा नहीं पाई हूँ। कईयों दिन हो गए, कम से कम 1 महीना हो गया तब से मैं जा नहीं पाई हूँ। आज जा रही हूँ तो चलते हैं, मैं करूँगी दर्शन, आप भी करिएगा। देखिए हमारा बिट्टू जा, बिट्टू तुम आगे आगे जा रहे हो और हम पीछे पीछे आ रहे हैं तुम्हारे। हम क्या तुम्हारे नौकर हैं? अच्छा बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये पड़ोस में गांव से आए तो बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं और मंदिर भी है, प्रसाद की वजह से यहाँ पे खेलते रहते हैं कि थोड़ा और प्रसाद मिलता रहता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही मिलता है इनको, क्योंकि ये हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ पे प्रसाद ही बटती रहती है। जो डेरा आए जो काऊ के क्या, तो जो ईंटे वगैरह पास होता है बिनके होंगे, आदमी थोड़ी थोड़ी जगह में कैसे रह लेते हैं। मंदिर परिसर में आ गए हम, पेड़ देखो पंडित जी ने कैसे पेड़ लगाए, बढ़िया लग रहे हैं। हाँ धो लो हाथ, कितने लगे हनुमान जी के नल? दो 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 नल बोल रहा है, दो दो नल लगे हनुमान जी के। अब जा भाई को, कौन सा कौन सा? सारे लगा रखे हैं पंडित जी ने, बहुत बढ़िया है, छोटे छोटे हैं अभी। बिट्टू तुम पंडित जी के साथ चढ़ा दो माँ बाबा संग। हाँ पंडित जी के साथ पंडित जी ने ये कैसे बढ़िया वाली बढ़िया बढ़िया पेड़ लगा के रखे हैं, ये देखिए। और ठंडा कितना मिर्च देखो पंडित जी की, ये देखिए हैं फूल रही हैं, फूल रही हैं, कितनी घनी लगी हैं, लगी हैं हैं। ये दोस्तों मंदिर की दीवार है भगवान हनुमान जी की, तो यहाँ पर सिक्का चिपकाते हैं, बतासे चिपकाते हैं, अगर आपकी मनोकामना पूरी होगी तो पक्का यहाँ पर सिक्का या बतासे चिपक जाते हैं, अगर नहीं होगी तो वो वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे सतिये भी बने हैं और बतासे भी चिपके हुए हैं। यहाँ मेरी दौरानी बैठी है और ये परिक्रमा मार्ग है, ये देखिए ये ऐसे करके गोल गोल, ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर, भोले बाबा का मंदिर है और ये छोटे है, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो देखिए परिक्रमा कर रहे हैं। और मैंने भी ये छोटे छोटे मंदिर हैं इनमें भी थोड़ा प्रसाद चढ़ाया है, और ये भोले बाबा का मंदिर है यहाँ भी मैं चढ़ा दे रही हूँ। तो ये देखिए छोटे छोटे से मंदिर हैं, तरह तरह से मंदिर हैं यहाँ पर भगवान के, किसी ने बनवाए होंगे। तो मैं मंदिरों से निकल आई हूँ और ये मैया का मंदिर है।
जिधर तुम्हारी इच्छा हो उतने चढ़ाओ मैया को, दो चढ़ाओ चढ़ाओ। हाँ ऐसे करो, लो मैया खा लो। क्या हो खा लो, ठीक है? मैं तो छोटा हूँ अब, हाँ फिर बड़े आकर लड्डू लाऊंगो। हाँ चलो पांच हुआ मैया की, चलो दूध तक ऐसे ही ऐसे। अरे वेरी गुड है मेरे बेटा। और भाई, अरे भाई बिट्टू तो तुम सब जानते हो हैं, कैसे पैर छूते। बिट्टू हमारा सब जानता है कि कैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। जे मंदिर में जो भगवान जी हैं वो वहाँ पे शीशा लगा रहे हैं क्योंकि मुंह खराब कर देते भगवान जी का। बिट्टू को किसी ने प्रसाद दिया है बूंदी का, तो वो और चढ़ाने गया है कि और मैया को खिला के आऊँगा। अब आ जाओ, खिला दिया तो चलो। अरे हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे भैया आ जाओ, छू लिया छू लिया। यो कह रहे हैं कि अब वो जंगल में वे चीता भालू छोड़ दें अम्मा, सही में कर ले बुआ, शेर चीता छोड़ दें जंगल में, कैसे सब लोग अपने अपने द्वार पे मतलब रोशनी करके रखें। हाँ बकरियाँ वकरियाँ चराए हुए जाओ, कछू चराए हुए जाओ, तो देखो सतर्क रहियो। बहुत सारे ची बहुत गाड़ी भरे के बता रहे हैं कि कहीं कछु छोड़े हैं यहाँ पे। जी करकोली सुनिए, करकोली माँ तो एक औरत मात देंगे, खेतों में परी है थी तो खेत रखा रही तो वो मात देंगे, समझ लो। अब समर के अपनों चरावा चरावी जो बकरियाँ वकरियाँ हैं देख के चरा। हाँ कोई बता। हाँ दोस्तों जी औरतें हैं जो जंगल में जाती हैं बकरी वगैरह चराने के लिए, भैंस वगैरह चराने के लिए, तो जे हमें आ गए हैं शेर चीता तो बढ़िया है, मेरे को तो बहुत बढ़िया। जंगल बिल्कुल वीरान है, तो ये गतन भाई हनुमान जी बिल्कुल जंगल के किनारे हैं, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि शेर वगैरह यहाँ पे आ गए हैं, तो शायद जंगल बच जाए। ये मैया रानी की कृपा है बहुत बड़ी। तो दोस्तों ये देखिए जंगल में बस्ती में कोई इंसान रह रहे हैं, और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि ये देखो ये नया मंदिर बना है भोले बाबा का है शायद, लेकिन मैया का मैंने नहीं देखा, मैं तो हनुमान जी तक ही आती हूँ। तो अभी चलते शनिदेव के दर्शन करेंगे। शनिदेव को कैसे भाग रहा है देखो। तो हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, दोनों जने जा रहे हैं और हमारा लाला है छोटा वाला। और कैसा लगा मंदिर, और आपस में जो वहाँ पे खड़े हैं जो पेड़ वगैरह पौधे जो परिसर है जो मंदिर का वो कैसा लगा हो आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।